ये बेसिकली मैं विटामिन ए दे रहा हूँ, और सबसे पहला मेडिकल स्कूल में लेसन जो जॉन हॉपकिंस में ये सिखाते हैं या कोई भी मेडिकल स्कूल में, विटामिन ए का महत्व को कम मत समझना। ये सारे बीमारियों को आक्रमण करता है, ताकतवर बढ़ता है, वो स्टंटनेस जो होता है बढ़ोतरी नहीं होता, कम खाने से वो नहीं होता, बॉडी विटामिन ए बनाता नहीं है। छोटे बच्चों को पहले 6 महीने तक माँ की गर्भ में दूध मिलता है, वो माँ की को से दूध मिलता है उससे मिल जाता है, उसके बाद वो रंगीन सब्जी नहीं खाते हैं, साग नहीं खाते हैं, और नॉनवेज में जिसमें उस विटामिन ए वो नहीं खाते, इसीलिए ये खुराक दिया जाता है ताकि उनका तंदुरुस्ती हो जाए और बढ़ोतरी सही हो। 5 साल तक देते हैं हर 6 महीने। बहुत जगह में ये देना अनिवार्य है लेकिन दे नहीं पाते हैं कोई भी माध्यम से, और इसको ड्रग्स बोल दिया है इसलिए और भी मुश्किल है। लेकिन ये विटामिन है, इसको मैं देता हूँ 30 साल, और ये अंधापन कभी नहीं आएगा। अंधापन का क्षमता हर एक में है लेकिन इसको खाने से अंधापन समाप्त हो जाता है। मैं पिछले 30 साल से अंधे दृष्टिबाधित लोगों के साथ मैं काम करता था, और इसका उसका हानि जो होता है अंधेपन कारण, दृष्टिबाधिता के कारण क्या होता है मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने रिटायरमेंट मेरा जुलाई में हुआ, उसके बाद से मैंने इसको अपने आप इसको सोच लिया, और अभी देहरादून में, टेहरी में और उत्तरकाशी में मैंने शुरू कर दिया है। इसके अलावा हिमाचल में मैंने बिलासपुर में, मंडी में और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में शुरू कर दिया। मेरे पास 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, छोटे बच्चों के लिए 2-1 साल के नीचे हैं उनके लिए है, नीला गोली जिसमें ड्रॉप्स हैं, उसको कैप्सूल जैसा है उसको काट के दे देते हैं ड्रॉप्स, और दूसरा 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स है वो जो 1 साल के बड़े बच्चों को देने के लिए। मैं इसको किसी के साथ भी जो गाँव में हैं बच्चे हैं उनको पास जाता हूँ, जो करना चाहते हैं उनसे बातचीत करता हूँ, आशा वर्कर से बात करता हूँ, और उनके प्रधान से बात करता हूँ और इकट्ठा कर लेता हूँ और अपने आप चले जाता हूँ कर लेता हूँ। सुबह एक जगह पे करता हूँ, शाम को एक जगह, जितना भी करता है मैं लगातार 15-20 दिन करता हूँ, फिर छुट्टी लेता हूँ घूमने के लिए, फिर दोबारा शुरू करता हूँ। अच्छा, कहाँ से आपके मन में ये सब बातें आए कि ये सब आपको करना चाहिए? क्योंकि मैं दृष्टिबाधित लोगों के साथ 30 साल काम किया, जो भी दृष्टिबाधित हैं उनके लिए ऑडियो किताबें देता था, वो मेरा मुहिम था, और उसके बाद जब रिटायरमेंट हो गया मुझे मालूम है इसका हानिकारक हानि क्या हो, कितना जितना हो सकता है अंधापन या दृष्टिबाधिता के कारण, इसलिए मैंने सोचा इसको शुरू करना है। क्योंकि मेरे सूचना के अनुसार कई जगह में गवर्नमेंट भी कर नहीं पा रहा है, दूर इलाकों में, मैं पहाड़ों में बहुत कम जगह पे लोग जाकर करना चाहते हैं, मैंने किया है, मैंने पौड़ी में काफ़ी जगह में किया, और भाई जो भी मुझे साथ देना चाहते हैं उनके साथ मैं करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, आगे क्या रहेगा आपका, और मिशन क्या है आपका, क्या करना चाहते हैं? इसके साथ मैं डीवॉर्मिंग टैबलेट देना चाहता हूँ, एल्बेंडाजॉल, और इसके अलावा जब गर्भ में ही बच्चा शिशु पालन होता है उनके लिए मैं 6 महीने का मल्टीविटामिन प्रीनेटल्स देता हूँ, और जिनको भी मैंने दिया है उनका सक्सेस रेट इतना बढ़िया है कि उनका डिलीवरी सब नॉर्मल हुआ है और बच्चे बहुत हेल्दी हुए हैं, 3 kg 700 ग्राम, 4 kg 300 ग्राम, ये सब हुआ है। माइग्रेंट वर्कर्स के बीच में भी यही हुआ है, और मेरा खुशी और आनंद उससे बढ़ जाता है जब मुझे पता चल जाता है कि इतना सक्सेस रेट है। अच्छा, आपके पास ये सब खर्चा वर्चा कहाँ से आप करते हैं और कहाँ से लेके आते हैं ये सब चीज़? मेरे खुद का पैसे आज तक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसके बाद मुझे बढ़ने के लिए पैसे परमेश्वर देगा, इससे इतना ही मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे इच्छा है सेवा करने के लिए परमेश्वर मुझे देगा करके मुझे विश्वास है। अच्छा, यहाँ पे गवर्नमेंट का किस तरह का सपोर्ट आपको मिल रहा है? मैंने गवर्नमेंट को अप्रोच नहीं किया है, बताया है। कल परसों मैं उत्तरकाशी में नेशनल हेल्थ मिशन वालों के पास था, उधर एक स्टाफ मेंबर को मैंने सैंपल दे के आया हूँ, और बहुत जल्दी मैं देहरादून में भी जाकर टाइम लेकर मिलने वाला हूँ, ताकि मैं सारे आंगनवाड़ी में जितने बच्चे हैं उनसे शुरू करूं, और उनके द्वारा आशा वर्करों, आशा सेवकों के साथ मिलके बाकी बच्चों को भी हर एक गांव में कर पाऊं। अच्छा, उत्तराखंड जैसे स्टेट में बहुत पर्वतीय जिलों में बहुत स्वास्थ्य की समस्याएं रहती हैं, गर्भवती महिलाओं को भी बड़ी दिक्कत होती है, मैं कर पाऊंगा तो आप क्या इस मिशन को वहां पे ज़्यादा करेंगे? बिल्कुल, मैं जहां मुश्किल करके कोई कहता है मैं पहुंच जाता हूं, मैं सुबह सबसे पहले वाला बस में बैठ जाता हूँ, सो जाता हूँ, और जब रुकता है मैं उतर जाता हूँ, और उधर का प्रधान से या लोकल कोई एक आदमी चाहिए जो इच्छुक है ये करने के लिए, अपने लोगों से जो प्रेम करता है,
और मेरे दोस्त लोग काफ़ी हैं। मैं गौमुख 5 दफ़े जा चुका हूँ, यमुनोत्री 10-12 दफ़े जा चुका हूँ, नौगांव पुरोला उधर सब घूम के मैं कर चुका हूँ। लेकिन अब मैं बहुत अच्छी तरह कर पाऊँगा, क्योंकि उसके पहले नौकरी साथ साथ में था, मैं वीकेंड्स में करता था, अभी मैं और खुशी से करूँगा। अच्छा, कितने और लोग जुड़े हैं आपका और कौन कौन सी संस्थाओं ने आपको सहयोग किया है? आज के तारीख में जो जो वाइटमिन देते हैं, वाइटमिन एंजल्स करके एक संस्था है, वो मुझे सप्लाई करता है मेरे व्यक्तिगत रूप से, मेरे काम देख के वो मुझे अनलिमिटेड सप्लाईज देने के लिए वायदा किया है। उसके साथ सेव अ चाइल्ड करके और एक संस्था है जो मुझे मॉरल सपोर्ट देता है।